एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आप लोग बोलते हैं ना मेरे को कि व्लॉग शूट किया करो, है ना। तो आज संडे है तो मैंने कहा चलो, मुझे हालांकि आधा काम तो मैंने कर लिया, मैंने ड्रम्स कर रही थी वो मैंने कर ली। पहले मैं ऐसे वीडियो में ही कर रही थी तो मैंने कहा नहीं, ऐसे टाइम लग जाता है, फिर मेरे को एडिटिंग नहीं करनी होती इन चीज़ों की, मतलब रियल रहना है, जो मैं बोल रही हूँ वही रखना है मुझे, एडिटिंग नहीं करनी। तो आज संडे है तो मैंने कहा चलो बालों का थोड़ा केयर कर लेते हैं, अब साथ में बात भी कर लूँगी आप लोगों से। एंड बालों, मैंने परसों ही मेहंदी लगाई थी और वॉश किए हैं तो कुछ ऐसे से लग रहे हैं बाल अभी मेरे। जिंदगी में मैंने कभी कोई कलर, कोई ट्रीटमेंट, बहुत से ट्रीटमेंट होते हैं बालों के, मैं देखती हूँ इन्फ्लुएंसर्स लेते हैं, अभी तक मैंने कभी नहीं लिया। देखो कब मैं लेती हूँ, कब क्या कुछ करती हूँ, बट ये मेरे रियल बाल हैं, जन्म से जो बाल हैं जैसे थे वैसे ही हैं। तो जो बैक आप देख रहे हो ये मेरा रूम है, आज मैस हो रखा है थोड़ा सा, लाइक चारपाई हटाई नहीं मैंने, जैसे बैठी हूँ वैसे बैठी हूँ। इधर मेरा लैपटॉप, कैमरा एंड पार्सल्स वगैरह पड़े हैं। एक चीज़ और, अभी H&M हॉल आएगा, अर्बैनिक हॉल आएगा, आई नो टाइम लग रहा है अर्बैनिक पे, पता है क्या झंझट हो रखा है मेरा, मैं हॉल किस लिए लेकर आ पा रही अर्बैनिक का, क्योंकि मैंने एक जीन ऑर्डर करी, वो कार्गो जीन्स होती है, ध्यान नहीं मेरे को, पर मुझे जीन बहुत पसंद आई वो वाली। और उससे पहले मैंने स्मॉल साइज ऑर्डर किया, मुझे लगा कि यार स्मॉल तो आएगा ही, इतना तो मतलब है, ऐसे एक्स्ट्रा स्मॉल वाली तो नहीं हुई मैं, तो स्मॉल मेरे लूज आया, तो मैंने फिर एक्स्ट्रा स्मॉल में ऑर्डर करा उसको रिटर्न करके। एक्स्ट्रा स्मॉल एग्जैक्ट आ रहा है, बट ऐसा था कि लाइक जब मैं कुछ खा लूँ या पी लूँ, होता ना एक पेट ऐसे फूल से जाता है, तो वहाँ पे मुझे मतलब फिट पूरा है बिल्कुल एग्जैक्ट, जो लड़के ढूंढती है ना फिटिंग, बट मुझे इतना टाइट मैं वो हूँ नहीं, तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि जींस में इतना स्ट्रेच नहीं था उसके अंदर, स्ट्रेच होता ना फिर भी मैं ले लेती। मैंने कहा नहीं, फिर मैं रखूंगी नहीं एक्स्ट्रा स्मॉल, क्योंकि अभी आ जाए, फ्यूचर का नहीं पता यार, एक दो साल के बाद क्या पता थोड़ा गेन हो जाए, अगर आधा इंच भी गेन हो गया तो भी वो जीन नहीं आने वाली। तो फिर मैंने कहा अभी मैंने वो रिटर्न कर दी, एक्स्ट्रा स्मॉल भी दोनों रिटर्न कर दी, बट मुझे जीन बहुत पसंद है वो वाली, उसी पर आंख लगी हुई है मेरी, तो मुझे उसको लेना है। तो मुझे बेल्ट लगाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैंने लाइफ में कभी बेल्ट यूज़ नहीं करी, वेस्ट बेल्ट लाइक हिप बेल्ट, वेस्ट बेल्ट कोई भी बोल दो। एंड सो मुझे अभी लग रहा है कि मुझे लेनी पड़ेगी वो जीन्स, मुझे लेनी है, और मुझे बेल्ट भी लेनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि फिटिंग उसमें फिर एक इंच जाती है, एक इंच फिटिंग, इतना मज़ा नहीं आएगा जीन के अंदर, सो वो थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। अदरवाइज जैसे टॉप पड़ा है, यहाँ पे दो जीन्स की पार्सल किधर पड़ा है, किधर पड़ा है, एंड वहाँ पे H&M का है। एंड एक गुड न्यूज़ और है कि लाइक आप जितने भी हॉल वीडियोस देखते हो ना, जैसे आप मीशो का देखते हो, लोग मीशो हॉल वीडियोस बनाते हैं, मिंत्रा हॉल वीडियोस बनाते हैं, फ्लिपकार्ट बनाते हैं ना, H&M बनाते हैं, जारा बनाते हैं, या फिर बहुत सारे और भी ब्रांड्स की बनाते हैं, तो आपको लगता हो कि वो खरीदते हैं ना खुद से पैसे लगा के, ऐसा कुछ नहीं है, उनको स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनको फ्री मिलते हैं प्रोडक्ट्स, कुछ को पेड होते हैं, लाइक जिनका अच्छा चैनल ग्रो कर जाता है उनको वो सामान भी फ्री में मिलता है और उनको पेमेंट भी मिलती है उसके बदले में, और जिनका अच्छा चैनल भी ग्रो नहीं हुआ होता, स्टार्टिंग पे होता है या फिर इतने उसके व्यूज़ वगैरह नहीं होते, कमेंट्स नहीं होते, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको प्रोडक्ट देते हैं बट उनको पेड नहीं करते। एंड सो उसके अकॉर्डिंग मुझे भी PR मिला है, तो आगे अब मिलता ही रहेगा, आई थिंक विश लिंक होता ना ऐसे, जिसमें आप मेरे लिंक्स होंगे, तो अगर उन लिंक पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट बाय करते हो, जो कोई भी है, चाहे अमेजोन है, H&M है, जा रहा है, अगर उन पे क्लिक करके आप लेते हो तो उसमें कुछ कमीशन मुझे मिलेगा। तो बहुत जल्दी H&M हॉल आने वाला है, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मिला है सामान H&M से काफ़ी, मतलब मिला नहीं होता सामान, ये लेना आपको चूज़ करना होता है, आपको जस्ट बोल देते हैं कि आपको ये सामान लेना है, मतलब आपको इतने सामान आपको, इतने प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, आपको देख लो कौन सा लेना है, सो वो उनका एक बजट एरिया होता है, क्राइटेरिया होता है, इतने में आपको लेना है, ठीक है। चलो वो बात की बात है, बस मैं इतना बता रही हूँ आपको कि ये जितने भी हॉल वीडियोज होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, मैं बालों का स्टार्ट कर लूँ बोलने जा रही हूँ, फिर बालों का फिर वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। यहीं पे मेरा मास्क पड़ा है, ये मास्क मैं यूज करूंगी, वैसे एक और है बट मेरे पास ये दो पड़े अभी तक प्लम के, सो आई थॉट कि यही कर लेना चाहिए, फ्रेग्रेंस अच्छी है इसकी, तो वो बालों को थोड़ा सा, वैसे तो मैं ऐसा नीचे से सूख भी गए, क्या ही गिल्ला करना है इनको, तो हाँ अभी मैं ये भी कह रही थी कि आज मैं करूँगी क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर प्ले बटन का अनबॉक्स करूँगी, बताऊँगी कैसे क्या कुछ करना होता है सिल्वर प्ले बटन के लिए, कहाँ कैसे पहुँची मैं इसमें, जर्नी क्या रही मेरी, है ना, ये कैसे आपको मिलता है, क्या आपको अप्लाई करना पड़ता है, वो सब चीज़ उस वीडियो के अंदर बताऊँगी। एंड आप लोगों ने वैसे ऑलरेडी काफ़ी Q&A मतलब क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे, एक पोस्ट के अंदर, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैंने लिखा था कि क्वेश्चंस पूछ लो, मैं Q&A करूँगी, मैंने बोला जब 100 के हो जाएं Q&A करेंगे, तो काफ़ी लेट होगी मैं, तो अभी Q&A हो सकता है कि आज वाली वीडियो में मैं Q&A का दे दूँ, तो इसलिए इस वीडियो के नीचे आपको कोई भी क्वेश्चंस है, लाइक कोई भी क्वेश्चंस आपका, आप मुझसे पूछ सकते हो,
इंस्टाग्राम पे इतना मुझे वो नहीं मिलता। इंस्टाग्राम पे मुझे सच्चे को मुझे जितनी फैमिली यूट्यूब की पसंद आ रहा है, इंस्टाग्राम वाली इतनी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्स नहीं देते वो लोग, ना तो वो पोस्ट इतनी लाइक करते हैं ना रील्स। बट आप लोग तो यार मेरी जान हो, आप लोग तो सब कुछ हो मेरा, सच्ची आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। एंड अभी मेरा जो फोकस रहता है यूट्यूब पे रहता है बिकॉज ऑफ यू ऑल, क्योंकि आप लोग इतना सुनते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, इतना प्यार देते हो, तो यही मन करता है कि यही काम करूँ, इंस्टाग्राम पे कोई काम ना करूँ। यहाँ का जो काम है उसको एडिट करके चाहे मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँ, बट अलग से इंस्टाग्राम पे कुछ भी ना करूँ, सच्ची ऐसी हो गई हूँ मैं तो। और आज मैं एंड्रंस करी थी, अभी मैं स्क्रब वगैरह करूँगी, ये थोड़ी सी ऐसे स्वेट आता रहता है ना गर्मियों में, सॉरी अगर मैं दिखा रही हूँ आपको लगे तो, ऐसे स्वेट आता रहता है। अभी वैक्स करके हटी हूँ, थोड़ा रिलैक्स के लिए छोड़ा है, इसके बाद थोड़ा स्क्रब करूँगी सॉफ्टली एंड फिर मसाज करूँगी किसी भी क्रीम के साथ, थोड़ा रिलैक्स दूंगी। मैं स्किन केयर भी नहीं करा, बहुत जल्दी मैं स्किन केयर भी करूँगी अपना फेस का, स्पेशली फेस और पैर। पैर तो वैसे भी गर्मियों में काले ही होंगे क्योंकि कवर नहीं होते ना। हाँ रोटी तो करो ही, बैठते बैठते खाइए ना। चलो जो वीडियो बनाएंगे कल, वो मेरा ब्रदर आया था अभी, मूव नहीं होती मूव, मेरा ब्रूनो डॉग है, उसको कुछ भी मिल जाए ना वो उठा लेता है, इसलिए हम मेडिसिन वगैरह सब ऊपर रखते हैं। चलो बाकी चीज़ें कोई बात नहीं ना, मुँह में ले ले तो चलो वो और ले आएंगे, लेकिन मेडिसिन वगैरह खा ले तो यार खतरा हो सकता है बच्चे को, इसलिए मुँह को चबा चबा गया। मेरे भाई ने दो लगाई, उसके लगानी भी पड़ती है ना। मैंने एक चीज़ ये भी देखी है इंस्टाग्राम पे, अगर कोई मतलब लाइक कोई मीठा खिला रहा है ना, तो एक दो थप्पड़ मार रहा है तो वहाँ पे लोग कमेंट में रिएक्ट करेंगे ऐसे वैसे वैसे, ऐसा नहीं होता। हमने भी मार खाई है, मैंने अपनी मम्मी से मार खाई हुई है छोटे होते। अब वो हमारी फैमिली का मेंबर है भाई, उसको बताना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो, कि आप सही कर रहे हो। पता है मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ ब्रूनो डॉग को। रात को पता है क्या होता है, वो मेरे साथ ही सोता है और अब कूलर चल रहा होता है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है तो कई बार ठंड बहुत लगती है तो कंबल के ऊपर सो जाता है। मुझे इतनी तरस आती है ना, मुझे ऐसा होता है चल लेट आ रहे, मैं ऐसे ठंड में ही सोई रहती हूँ साइड पे लग के, मैं उसको नहीं हिलाती बिल्कुल भी। और उसके बाल भी बहुत झड़ते हैं, मेरा भाई तो करता रहेगा, उसके बाल लग जाते हैं कंबल के अंदर, ये वो मैंने कहा लग जाए तू सोया रहे कोई बात नहीं, मैं तो अपने साथ ही सुलाती हूँ, सोया रहता है मेरे साथ। चलो बाल जितने हो गए गिले बहुत हैं। तो मैं क्या बता रही थी इससे पहले बताई थी क्वेश्चंस का, ठीक है। आप में से अभी तो कईयों को ये नहीं पता कि मैं रहती कहाँ पे हूँ, सच्ची ये नहीं पता आप लोगों को। कोई पंजाब से कह रहा है, कोई बठिंडा से कह रहा है, कोई चंडीगढ़ से कह रहा है, कोई दिल्ली से कह रहा है मेरे को। ये जो डोडा शॉप पे जाती हूँ इसको दिल्ली बना रखा है आप लोगों ने कि ये दिल्ली में मार्केट है। तो आप क्वेश्चंस करो नीचे, जो भी आपको क्वेश्चंस करना है ना आप वो करो, तो फिर मैं उसका आंसर कर दूंगी क्यू एंड ए वीडियो के अंदर श्योर, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कर दो। एंड आई नो आप ईद आउटफिट पे, मुझे एक दो लड़कियों ने बोला था कि हमें उम्मीद कुछ ज़्यादा ही थी, बट ओके बट पता है क्या है, अभी मेरा जो बजट है ना आउटफिट का, मुझे करने को मैं सच्ची कह रही हूँ मैं बहुत महंगे महंगे आउटफिट बना लूँ, लहंगे जैसा पैसा ची बनाता है ना लहंगे में, वो सब बना सकती हूँ मेरे में है वो, बट मुझे ये रहता है कि मैं अपनी जेब से पैसा नहीं लगाऊंगी इन चीज़ों के लिए। मुझे यूट्यूब दे, मतलब आप दो, आप व्यूज़ दोगे, आप वीडियो को लेंथ ही देखोगे, पैसे बनेंगे, तो मैं उन पैसों से मतलब वो फैब्रिक खरीदूँ। क्योंकि जो फैब्रिक होते हैं ना जैसे महंगे, वो 500 रुपये मीटर 1000 रुपये मीटर ऐसे मिलते हैं, और जब हम लहंगा या कोई अनारकली या कुछ ऐसा बनाने चलते हैं तो सोचो 6-7 मीटर तो अनारकली में लगता है, लहंगे में तो ना जाने कितना ही लगता है। तो अब आप खुद हिसाब लगा लो उस हिसाब से कितना पैसा बनता है, तो बजट बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसलिए मैं थोड़ा अफोर्डेबल में हमेशा रखती हूँ, तो क्योंकि जब मुझे YouTube अच्छा देने लग गया, जब मुझे मैं सच बता रही हूँ जो चीज़ रियलिटी है, अब कोई आपको मुंह पे नहीं बोलता वो बात अलग है ना, जो रियलिटी है वो है। तो जैसे मुझे अच्छा मिले, PR अच्छा मिलने लग गया ना, मतलब PR तो वैसे अच्छा मिल ही रहा है ऐसे नॉट बैड, बट लाइक पेड में मिलने लग गया मुझे, एंड YouTube से अच्छी अर्निंग होने लगी, पेड कलैब मुझे मिलने लग गए, बाई दिन अब तो स्टार्ट हो ही गए पेड काफ़ी हद तक, तो पर इतना नहीं है ना अभी। तब फिर मैं अच्छे अच्छे सभ्यताची के जैसे लहंगे होते हैं, अनारकली सूट होते हैं, है ना, गरारा शरारा सूट होते हैं, उन सबको रिक्रिएट करूँगी। और फिलहाल के लिए जो एक तो ना ये होता है ना कि मैं दिल्ली में नहीं रहती, अगर मैंने ना कई अभी मुझे एक लड़की ने बोला था, उस हीरोइन का नाम नहीं मुझे पता, जिसकी अभी मूवी आ रही है किसी की किसी का भाई किसी की जान, उसमें हीरोइन है जो, वो उसने एक टॉप पहना है नियॉन कलर के अंदर, जैसे ये वाला इसी कलर के अंदर उसने टॉप पहन रखा है, तो वो टॉप मैं वो लड़की ने बोला कि ये रिक्रिएट करो आप, तो मैंने हालांकि पहले स्क्रीनशॉट ले रखा है,
अब यहाँ पे शॉप पे गई, यही एक शॉप है मांगड़ के अंदर जिसमें ऐसे हर तरह की वैरायटी का कुछ पड़ा है। अदरवाइज मार्केट में थोड़ा देसी, नॉट देसी लाइक, थोड़ा पार्टी वेयर लाइक, आपको सरदारी सूट मिल जाएंगे ना, प्लाजो सूट मिल जाएंगे आपको ऐसे कटिंग के अंदर, थान में भी मिल जाएंगे, तो उनमें स्ट्रेच नहीं होता, उनमें वो चीज़ें नहीं बनती। तो जो टॉप वगैरह जो ऐसे वेस्टर्न चीज़ें बनानी होती है ना, वो इसी शॉप पे है सारा कुछ। तो इस शॉप पे जो मुझे मिल सकता है मैं वहाँ तक कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक टॉप को फैब्रिक को लेने के लिए मैं दिल्ली नहीं जा सकती, मैं दिल्ली में नहीं रहती, इसलिए मुझे ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। करने को रिक्रिएट मैं बहुत कुछ रिक्रिएट कर सकती हूँ, बट नहीं हो सकता ऐसा, कुछ फैब्रिक की वजह से रुकना पड़ता है भाई। मैं उस दिन गई थी मार्केट जब मैंने ये शहनाज गिल की ड्रेस का कपड़ा लिया था, तो वहाँ पे मैं जब उसे मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स दिखाई, क्योंकि मैं एक ड्रेस कभी लेके नहीं चलती सेलिब्रिटी की कि इसका मुझे रिक्रिएट करना है, आपको क्या पता ना मिले तो मैं कहाँ जाऊँगी, तो इसलिए मैं कई सारे लेके चलती हूँ, तो काफ़ी सारे मिले ही नहीं। एक कैरेट वाले ने पहन रखा था, जंप सूट था उसका, थोड़ा ग्लिटर था, मतलब उसके ऊपर शाइनी कपड़ा था, तो मैंने पता करा यहाँ पर मिला ही नहीं। मैंने कहा चलो कलर ना मिले, मुझे उस तरह का जो उस पर जो वर्क है या उसकी डिटेलिंग है फैब्रिक की, मुझे वैसा कुछ मिल जाए, बट नहीं। ये देखो बाल, देखो मेरे ऐसे झड़ते हैं बाल, ऐसे बस निकालते, एक तो नाखून बड़े हैं ना, नाखूनों के अंदर मास्क चला जाता है। ओहो, तो ये सब है, तो फैब्रिक के अकॉर्डिंग भी मुझे देखना पड़ता है कि कितना क्या कुछ बनेगा, नहीं मिलता होता कई बार फैब्रिक भी तो। या तो आप ठीक है, अभी तो मेरे तो बाल हो गए, बस इतना ही मास्क लगाना है मैंने। अभी इसको मैं सिर्फ 30 सेकंड रखूंगी, उसके बाद वॉश कर दूंगी और फिर मैं बनाऊंगी, अनबॉक्स करूंगी। आज रात को वीडियो आ जाएगी मेरी यूट्यूब जर्नी अनबॉक्स की, सिल्वर प्ले बटन की, इसके साथ खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स क्लिक करूंगी। मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, पहले इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स आएंगी सारी वो वाली, और सो या जरूर फॉलो करना ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो आप लोग, वहाँ भी मैं अपडेट देती रहती हूँ वहाँ भी सब कुछ। और अभी थोड़ा सा मैं ऐसे लाइक जैसे अदर इन्फ्लुएंसर्स करते हैं ना, जैसे स्टोरीज में आके बोलना ना, यूट्यूब की स्टोरी में या फिर और उसकी इंस्टाग्राम की स्टोरी में आके इस तरीके से बात करना अपनी फैमिली से, तो वो भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइक ऐसी हूँ नहीं कि इस तरीके से बात बात करूँ मैं, बस बस अब पोस्ट करती रहती हूँ, बात बात कम ही करती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि वो जाके करनी चाहिए बात। सो या ठीक है, तो और जो मैंने ये टॉप पहन रखा है ना, एक टाइम ऐसा था, बाकी मैं चलो अपनी जर्नी में भी बताऊंगी आपको कि मैं कहाँ से निकल के आई हूँ, कैसे सब कुछ किया। मैंने एक टाइम ऐसा था मेरे पास ना टॉप भी पूरे सूरे नहीं होते थे, मुझे जिम का बहुत शौक था, मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक था, तो मुझे फिटनेस कपड़ों का बहुत शौक था, तो एक्टिव वेयर वगैरह का, तो उस टाइम पे मैंने ये अमेजोन से लिया था ये वाला टैंक, ऐसे क्या बोलते हैं, टैंक टॉप बोलते हैं, टैंक टॉप भी बोलते हैं आई थिंक ना, ऐसे ये फिटनेस में मतलब जिम वगैरह में पहना जाता है ना, इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ खड़े किस तरीके से था ये वाला, तो ये मैंने तब लिया था, ये मुझे कॉस्ट किया था 400 आई थिंक, 450 400 इतना कुछ कॉस्ट किया था, तो उस टाइम का अभी तक आ रहा है। बाय द वे स्ट्रेचेबल है, किसी की भी आ जाएगा, तो काफ़ी पुराना है ये, बहुत पुराना है, इसको हो गए होंगे 5 साल आराम से, 5 से भी ऊपर हो गए होंगे, 5 6 साल, तो काफ़ी पुराना है ये वाला। तो आज मैंने इसे निकाल के पहना है, क्योंकि अनरम्स करनी, तो मुझे था कि कुछ स्लीवलेस डाउन में हो जाता, कुछ ज़्यादातर स्लीवलेस इतने थे मेरे पास, तो वैक्सिंग तो फिर यहाँ तक आनी थी ना, तो मैंने कहा थोड़ा डाउन में हो तो वैक्सिंग आसानी से हो जाए, तो अभी वैक्सिंग तो होगी, अभी इसको अच्छे से क्लीन करूँगी नहाते हुए, 30 मिनट के बाद नहाऊंगी ठीक है। तो या तो यही मेरे ऐसे मेरे ब्लॉग आएंगे, ऐसे ब्लॉग देखना पसंद करोगे आप, मेरी बकवास सुनना पसंद करोगे आप लोग ठीक है। तो बहुत जल्दी H&M हॉल आएंगे, अर्बेनिक हॉल आएंगे, एंड मेकअप वीडियोज भी बहुत आएंगे, अब बहुत कुछ आने वाला है। अभी मैं तो अभी एक दिन भी मिस नहीं करूंगी, मैं कभी भी ऐसा नहीं कि एक दिन अब वीडियो अपलोड, हालांकि इस महीने में मैंने, एंड खुशी की बात सुनो सुनो सुनो, इसी वीडियो में बता दूं या थर्ड पेमेंट में बताऊं, चलो एक चीज़ तो अब इसमें बता ही देती हूँ ठीक है। इसमें अब मैं इसे टाइटल में भी लगाऊंगी कि मैंने इसमें अपनी पेमेंट बताई है इस महीने में। अभी क्या डेट आज 23 है, फोन तो यहीं पे लगा हुआ है मेरे, 23 या 22 जो भी, आज मैंने चेक करा मेरे $100 तो कंप्लीट हो गए इस मंथ के। देखो मैं कितना सच बता देती हूँ ना, मुझसे राय नहीं जाता, मतलब ये नहीं कि सिर्फ 100 हुए हैं, 100 से ऊपर भी हो सकते हैं, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि इस मंथ मेरे $100 कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फैब के अंदर नहीं हुए थे, जिसकी वजह से मुझे सेकंड पेमेंट नहीं मिली थी, एंड अब थर्ड पेमेंट का मुझे अपडेट हो गया है मेरे एडसेंस अकाउंट के अंदर। मैंने चेक करा था परसों ही, उसमें आता है कि मैम आपको 5 डेज के अंदर, लाइक सबको आता है मेरे को नहीं आता, 5 डेज के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगी, आपके अकाउंट में आ जाएगी जिस दिन से मेल आया है, अगर आपको नहीं आती तो आप कॉन्टैक्ट करना अपने बैंक से, सो बट आ जाएगी। अभी मैंने चेक नहीं करा, कल चेक किया था, कल तक तो नहीं आए थे पेमेंट,
तो अभी मैं आज चेक करूंगी पेमेंट आई या नहीं आई, और वो डॉलर मुझे पता है कितने हैं, बट वो थर्ड पेमेंट के अंदर बताऊंगी। तो मेक श्योर वीडियो देख लेना, थर्ड पेमेंट वाली पूरी देखा करो, सिर्फ पेमेंट तक मत जाया करो, सुना करो, आपको मोटिवेट मिलेगा। आप जो अगर खुद काम कर रहे हो यूट्यूब पे ना, कंटेंट बना रहे हो, आपको एक लाइक यू नो एनर्जी आएगी कि हाँ राजवीर ऐसे ऐसे गई है या फिर कोई पर्सन ऐसे ऐसे ग्रो करा है ना, तो हम भी ऐसे ऐसे ग्रो कर सकते हैं। तो थर्ड पेमेंट वाली वीडियो भी आएगी, जैसे ही मेरे अकाउंट में मनी आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर मैं वो थर्ड पेमेंट वाली वीडियो बना दूंगी। और आज इस वीडियो में आपको बता ही दिया कि इस मंथ में अप्रैल, अभी 23 अप्रैल चल रही है, $100 मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप $100 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी इतना नहीं कि 100 ही कमाए हैं मैंने, 100 से ऊपर भी हो सकते हैं, वो तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल के लिए बात करूँ, 100 एक डॉलर एक क्राइटेरिया होता है कि इतना आपको कंप्लीट करना है तभी आपको पेमेंट आपके अकाउंट में मिलेगी। सो वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखो मैं कितना कुछ बोल देती हूँ ना, मैंने ये ऑन करते वक्त फ़ोन को, वीडियो ऑन करते वक्त कुछ भी नहीं सोचा था कि मैंने ये बोलना है या नहीं बोलना, बस मैं बोल गई। बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही मेरा ही तो परिवार हो, आपके साथ शेयर नहीं करूँगी तो मैं किसके साथ शेयर करूँगी। सो या एक चीज़ और, जीन्स से मैंने आपको पिक्चर शेयर की थी ना बैग की, तो वैसे अब मुझे बैग मैंने H&M से भी मुझे आए हैं 2 बैग, मतलब आए नहीं है, मैंने ही लिए हैं लाइक, पर मेरा पैसा नहीं लगा उसमें, तो फिलहाल के लिए मतलब वो होल वीडियोज मैं आपको दिखा दूंगी। तो वो H&M से लिया है एंड काफ़ी कुछ बैग मैंने खुद ने बनाए हैं, तो ऐसा मुझे रहता नहीं है बैग, लेकिन बनाऊँ मैं, लेकिन फिर भी मैं जीन्स से एक खूबसूरत सा बैग बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने हैंडल्स मंगाए थे, आपको ध्यान है मीशो से मैंने हैंडल्स मंगवाए थे गोल राउंड वाले, नहीं ध्यान तो उसका शॉर्ट्स मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो वो हैंडल यूज़ करके हम जीन्स से एक बैग बनाएंगे, आपको बहुत 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 पसंद आएगा। अगर आज मेरे को टाइम लग गया ये वीडियो बनाने के बाद, बाल वॉश करूँगी, मेकअप करूँगी है ना, फिर उसके बाद ये वीडियो बनाऊँगी, एंड आज कर्ली भी करूँगी बाल, सोचा तो यही है, अगर आलस आ जाए तो फिर कुछ पता नहीं, मैं आलसी तो वैसे ही बोलूँ, तो मतलब इन कामों में वैसे आलसी नहीं हूँ, वैसे तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, काम करती रहती हूँ, ऐसे आलसी नहीं हूँ मैं। तो मैं क्या बता रही थी, मैं बैग का बता रही थी ना, तो जीन वाला बैग आएगा, उसके हैंडल्स को यूज़ करेंगे हम, तो आपको बहुत 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 पसंद आएगा वो बैग। और जिसने कभी लड़की ने स्टिचिंग नहीं करी ना, बहुत सी लड़कियां मुझे कमेंट करती हैं कि हमें स्टिचिंग नहीं आती लेकिन हम आपकी वीडियोस फिर भी देखते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो वो लड़कियां भी अपनी जीन्स से जो वो नहीं पहनती, वो ऐसे वैसे करके जैसे मैं बनाऊंगी बना सकती हैं बैग, उसका ट्यूटोरियल भी दूंगी, स्क्रैच आउटफिट की तरह भी वीडियो आएगी। एंड हाँ, 30 डेज जो हैशटैग दिया है स्क्रैच आउटफिट था, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, 30 दिन कंप्लीट हो चुके, इवन 31 डेज हो चुके हैं क्योंकि ईद आउटफिट आ चुका है। तो या बट इसमें छोड़ूंगी नहीं, अब मैं डेज के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी, बस अपलोड करती जाऊंगी, बस मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है देखने में, मुझे बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी मैं मेरे बाल कितना टाइम हो रखा है मुझे तो पता और नहीं, 5-10 मिनट तो ये लगाई को हो गए ना, तो ठीक है। तो अब मैं मिलती हूँ रात को 8 बजे मिलती हूँ आपको मेरी यूट्यूब जर्नी के अंदर, सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग के अंदर, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू सो मच। और जो न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं, आप अपने बस कंटेंट पे ध्यान दो, अपलोड करते जाओ वीडियोस, कुछ ना कुछ सिखाते जाओ, तो मैं भी आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करूंगी, ठीक है, ओके बाय। अब मैं मिलती हूँ रात को 8 बजे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बाय।